the second day, and it's 6:30 in the morning, I guess. जब मासी इतनी बुरे मासी ने गंदी बुकिंग कराई तो अपना प्रोडक्ट लगाओ। मैं बोल तो कपड़े तो मेरी सुन लेनी चाहिए ना। क्या सुन लेगी? मुझे आज चल के देख के। ठीक है। I'm gonna go change and I'll be back. लगा था कि पास में होगी बट बहुत दूर है, ऑल्सो ट्रैक करके जाना पड़ रहा है और मैं सोचा चलो पास में तो सैंडल्स वगैरह पहन जाते हैं बट बहुत दूर है, शूज़ पहन कर आना चाहिए। वो लोग आ रहे हैं, लोग दिखे मतलब कि कुछ तो है पक्का, छोटा मोटा ही लगे। ओ थैंक्स, ओ नीम बीच, दिस इज कॉल्ड नीम बीच एंड ये अलोहा रिजॉर्ट है। उसके साइड में ना एक छोटी सी गली जा रही है, बिल्कुल छोटी सी विजिबल है बट ऐसा लगता है वहाँ पे जाके ना लोकल्स के घर होंगे, लोकल्स के घर ही हैं तो इतना पता नहीं चलता कि यहाँ पर एक्चुअल में बीच होगा भी। तो बहुत ज़्यादा अंदर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब कितना मासी अप्रॉक्सीमेट कितना अंदर होगा ये? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अंदर जाके एक ही सिंगल रोड जा रही है, उस पर चलते रहो 3 किलोमीटर आगे आके एकदम यहाँ पर आपको दिस नीम बीच। गोइंग डाउन इज इजी, इट्स नॉट इजी, इट्स इजी, बिलीव मी इट्स इजी, इट इज, व्हेन यू विल कम बैक यू विल गेट टू नो। मुझे बैठना है, मैं इसे नहीं चले जाना। बस मैं आज मतलब अब पहली बार ऋषिकेश आई हूँ तो मेरे लिए फर्स्ट डे तो बहुत बेकार था बट सेकेंड डे का स्टार्ट बड़ा अच्छा सा हुआ है तो आई होप पूरा दिन अच्छा जाए। एक साथ हम लोग लक्ष्मण झूला जाएंगे, फिर वी विल गो टू हाइकर्स एडवेंचर पार्क, वहाँ पे जाके थोड़ा ट्रैकिंग वैकिंग करेंगे। मेरे हाथ में दर्द हो गई, चलो बाय गाइस। वो आगे जाके वहाँ पे अलोहा द गंगाज का रिजॉर्ट है और ये वाली गली है, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है इसकी ये गली है, यहाँ पे जाके नीम भी स्टार्ट होता है। तो अब हम आए हैं यहाँ पे कचौड़ी खाने, किसी ने बोला था बहुत अच्छी कचौड़ी, फेमस कचौड़ी मिलती है तो प्यारी प्यारी करारी करारी कचौड़ी खाने हम आ गए हैं यहाँ। हाँ, रेडी होके जल्दी जल्दी होटल से निकल के फिर से पहाड़ों में आ गए हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा हम ऋषिकेश आए हैं या पहाड़ों में घूमने आए हैं, पर ठीक है मस्त लग रहा है। कल की एक मस्त चीज़ ही हुई हमारे साथ, इतना मिसहैप तो हो गया बट बढ़िया चीज़ ये थी कि वी वेंट टू इवेंचुअली मतलब हम पहुंच गए थे देव प्राग, बट वो जगह बहुत अमेजिंग थी, बहुत अमेजिंग। मैंने ऐसा व्यू कभी ना शिमला में देखा है ना कहीं और देखा है, बट वो बहुत ज़्यादा सुंदर जगह थी, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह। तो अब हम लोग जा रहे हैं टिहरी, जहाँ पर हमने पता किया है कि स्पोर्ट एडवेंचर पार्क खुला हुआ है जिसमें सारे स्पोर्ट्स, हाँ सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स हैं। आई होप सिर्फ बोटिंग ना हो क्योंकि हमने पता किया राफ्टिंग इज़ क्लोज। बाकी और क्या बंद था? हाइकर्स एडवेंचर पार्क भी बंद था, जिसका हम प्लान करते हैं वो पहले ही बंद हो जाता है। तो अब
वहाँ जाके देखते हैं कि कौन से वाटर स्पोर्ट्स हैं, क्या है। बच्चों चॉकलेट ले लो। नहीं। बच्चों चॉकलेट ले लो, पकड़ना। भाई क्या है ये जगह, ये बहुत सुंदर जगह है, लिटरली बहुत सुंदर। ये टहरी लेक है नीचे, वो सामने लेके अभी हम जाएंगे, वहाँ पे स्पोर्टिंग करेंगे। बहुत प्रिटी, बहुत प्रिटी ऐसा लग रहा है कि मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कितना ज़्यादा सुंदर है सब कुछ। मेरे से ज़्यादा मम्मी एक्साइटेड है और अक्षता एक्साइटेड है, सारी स्पोर्टिंग करेंगे मम्मी। कौन कौन सी करोगे? सबका डालूंगी। सबका डालोगे? फ्लाई अप टू 300 फीट हाई, आसमान छूने वाली हूँ मैं आसमान। मम्मी बहुत एक्साइटेड है। वी ऑल आर रेडी फॉर बोट राइडिंग। अब खाना खा के पेट भर के मस्त बोट राइडिंग कर रहे हैं। और बाकी ऊपर चमक अभी चमक। मजा आया ना? सही चलाया बिल्कुल, हम तो सही चलवाया। एक्सपीरियंस था कैसे लगा? आप चलाया तो सही था, ये भैया ने बहुत गंदा चलाया मेरा, मेरा दिमाग खराब हो गया। इधर उधर 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 भैया कर जाओगे आप। हैवी ट्रक। पहले हमने बोटिंग करी, देन सर्फिंग एंड नाउ पैरासेलिंग। ये तो भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वैसे तो मैं सभी कुछ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बट दिस इज गोना बी समथिंग फैंटास्टिक। आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो। Other 11 is something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes just over. अभी हम बनाना राइड करके आए हैं एंड ओ माई गॉड द क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस यू विल एवर हैव। हम सारे साथ में चले गए थे तो कोई फोटो या वीडियो नहीं बना पाए, बट मैं गूगल से लेके ज़रूर यहाँ पे पिक्चर डालूंगी। तो बनाना राइड में हुआ था, हमें बनाना जैसी बोट पे ले जाके लेक के बीच में ले गए एंड वहाँ जाके हमें पानी में गिर दिया, उल्टा कर दिया, तो हमें रेस्क्यू होके खुद वापस आना था। ओ माई गॉड बहुत मज़ा आया, अगर आप जा रहे हो तो ये ज़रूर करके आना। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है गाइस। ऐसे ऐसे करो, चलो प्रवेश करिए। चलो ओए रुक जा धीरे।
आज हमारा है थर्ड डे हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं एंड वी आर अबाउट टू लीव दिस प्लेस एंड आई एम बिट हैप्पी एज वेल क्योंकि हम ये जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है फर्स्ट डे हमारे साथ बहुत मिस आप हुए हैं इस प्लेस को भी लेके हर चीज़ को लेके तो अब मैं थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हूँ फर्स्ट डे को लेके। सेकेंड डे हम लोगों ने बहुत फन किया और सेकेंड डे वॉज टोटल फन एंड हम लोग सेकेंड डे रात को राम झूला गए थे हम लोग तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट प्लेस सर्च करा हमने सारी चीज़ें देखी बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने सोचा था आज सुबह हम थर्ड डे की मॉर्निंग में हम लोग आरती देखने में जाएंगे बट हम लोग लेट उठे तो हम जा नहीं पाए। सो हम लोगों ने आज भी सुबह वाटरफॉल देखा जो पास में ही है यहाँ पर उसका नाम मुझे याद नहीं है बट दैट वॉज ऑल्सो क्यूट। बट आज थर्ड डे है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एंड हम शायद जाएंगे अभी ऋषिकेश बीच पे अभी पक्का नहीं है शायद जाएंगे वरना उसके बाद तो घर जाना ही है ऑफकोर्स। देखते हैं हम लोग क्या बनता है प्लान सबका क्योंकि हमारा जो प्लान बनता है या तो रुक जाता है या तो चेंज हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे में साहब पता नहीं मुझे ऐसा वियर्ड सा लग रहा है इस जर्नी के बारे में क्योंकि हमारा ऐसे कभी भी ना एक सेकंड रुकना बाकी हम लोग बस निकलेंगे यहाँ से एंड विल गो बैक टू आवर प्लेस। हम ऋषिकेश बीच ढूंढते रहे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला वहाँ पर भी। वंस अगेन हमारा गूगल मैप्स ने बहुत बड़ा वो कर दिया सत्यानाश प्लान का। तो अब हम लोग हरिद्वार आ गए हैं वापस से ऑन रूट बैक टू दिल्ली। तो अब हम लोग थोड़ा सा रुके हैं छोले कुलचे यहाँ के फेमस हैं कुछ टाइप ऑफ तो ये लोग वो ले रहे हैं उसके बाद विल गो बैक टू दिल्ली क्योंकि हमारा एक और प्लान चौपट हो गया। बैक घर हम आ चुके हैं वापस। भाई साहब क्या ही ट्रिप थी यार ये पता नहीं क्या ही हुआ है अजीब सा होता गया सब कुछ प्लान कैंसिल कुछ बने ही नहीं कुछ अजीब से। थर्ड डे का भी हमारा जो आज का मतलब हम वापस आए हैं तो आज का जो प्लान था ऋषिकेश बीच का वो भी गया। सो आई गेस दैट्स इट फॉर द व्लॉग आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना जरूर कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि जो जो चीजें जहां जहां मैं गई मैंने सब कुछ कवर करा है क्योंकि आई वॉज एक्सप्लोरिंग दैट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल बट फिर भी कोई कमी पेशी या कुछ खराब ऐसा लगा हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए खाना खाओ एंजॉय करो मिलते हैं अगले व्लॉग में।